फिर से मैं आ गया हूँ वो पुराने ही गढ़ किलों पे, जो मेरा बाकी रह गया था। कलावंतीन हो गया था, प्रबलगढ़ बाकी था, आप देख सकते हैं। कलावंतीन ये हो गया था, प्रबलगढ़ बाकी है, ये वाला बाकी था। तो ये दोस्तों मुंबई से सेम 60 किलोमीटर, नासिक से 185 और पूना से जो है 120 किलोमीटर है। तो ये सब पिछले वीडियो में बोल चुका था। तो अभी मैंने बाइक पार करके भी एक पहाड़ चढ़ने के बाद 2 घंटे बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी मुझे और 2 घंटा चढ़ना बाकी है। तो ये दोस्तों मेन नई बात तो ये है कि ये पूरा एरिया फॉरेस्टर के अंडर में आया है। तो 50 रुपये टिकट भी लेते हैं और पूरा चेक करते हैं बैग में, कुछ दारू वगैरह कुछ भी, सिगरेट वगैरह ओला उन्हें पूरे गांव में 7 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलता। ये पहला गांव ऐसा होगा। तो अभी मेन बात ये है कि यहाँ पर कैंट भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंट लगा सकते हैं, 500 रुपये पर कपल है। तो चलो चलते हैं प्रबलगढ़ की ओर। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं प्रबलगढ़ के फाइनल टॉप पे पहुंचा हूँ और 5 घंटे के फुल ट्रैकिंग के बाद। इधर गढ़ किला तो नहीं है मगर गढ़ है, वॉच टावर के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था।
तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक के बाद एक सात वाड़ा मिला, एकदम जर्जर हालत में। सात दरवाजे के पास से मैं गुजरा हूँ, तो सबसे मेन पार्ट वही रही। वो सबसे सेकंड पार्ट ये रही कि यहाँ का व्यू, ये व्यू जो है सेकंड पार्ट अच्छी चीज़ रही। तो बड़ा मस्त व्यू है और कम से कम 8 से 10 किलोमीटर में काट के आ चुका हूँ। आप बाकी व्यू देख सकते हैं, एकदम जबरदस्त। तो आप देख सकते हैं ये ईसालगढ़ है और ये मोरबी डैम है, जबरदस्त व्यू है। बस इतना ही है, तो मस्त अच्छा ट्रेकिंग रहा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।